26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट और कौमी असेंबली में कसरत राय से मंजूर। कौमी असेंबली में बिल की हमायत में 225 और मुखालफत में 12 वोट पड़े। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अराकीन खुशी से निहाल। तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। इससे कबल सेनेट ने भी आईनी तरमीम दो तिहाई अक्सरियत से मंजूर की। आईनी तरमीम के हक में 65, मुखालफत में 4 वोट आए। आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला भी शुरू। वजीर आजम ने 26वीं आईनी तरमीम की एडवाइस तोसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता इनका हिस्सा बन जाएगी। ऐवान सदर में बिल पर दस्तखत की तकरीब आज होगी। आज इंशाल्लाह एक नई सुबह शुरू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाल्लाह। जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए वज़ीरे आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, रिकॉर्ड एक कार के जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हजरत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। आज नया सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में होगी। खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की शानदार मिसाल एक बार फिर कायम हुई। हुकूमतों को घर भेजा जाता था, मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ, लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ आसान होगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर को भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल, तकर्री 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाईकोर्ट भिजवा सकती है। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात होंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आईन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तज़किरा। पूछा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चले जी अब आप जाने, आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेकर 13 तक, 2013 से लेकर 2018 तक, अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक, एक के बाद एक वजीर आजम को फारिग करने में इस्तेमाल किए। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है।
काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है, कुछ तरामीम 100% इत्तफाकी राय से मंजूर की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा एक वजीर आजम को खतना डिग्री पर फारिग कर दिया गया, दूसरे को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेजा गया। मुशर्रफ के दौर में पीसीओ पर हल्फ लिया गया, रेकोडिक केस की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शहर का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक जज से हुक्मरान, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही है, झगड़ा शख्सियात का है। मौलाना फजलुर्रहमान का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाजे में यरगमाल ना बनाया जाए, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। आईनी तरमीम के लिए काविशों में तहरीक इंसाफ भी मेरे साथ साथ रही, कोई कायदे कानून के तहत जलसे करता है तो इसे इजाज़त होनी चाहिए। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है, ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए सया दिन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। इवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकती जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हो। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले आईनी तरमीम अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है। मुबारक जेब जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, रियाज फतेहाना, जैन कुरैशी, आदिल बाजई पर शदीद दबाव डाला गया, हमारे अराकीन को जबरदस्ती गायब कराया गया। पीटीआई के एमएनए जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम सामने आ गया, कहा मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हो गया था, मैंने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की, पार्टी में वालिद और मेरे किरदार को रोंदा जा रहा है, हल्के की अवाम मेरे खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे पर यकीन मत करें, मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरी बीवी को उठाया गया। फॉर्म 47 के हुक्मरानों ने आईनी तरमीम कर दी, 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मुतासिर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफ़ी अरसे से जारी थी, अफसोस इस बात का है कल भुट्टो के नवासे ने भी आइन की रूह को मुतासिर किया। तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सयाबाब में इजाफा किया, चीफ जस्टिस के तकरूर का मामला पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम के हाथ में देना अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद, मरियम नवाज का कहना है 26वीं आईनी तरमीम आवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुजीर थी, आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला है, बरवक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। आईनी तरमीम के लिए अंथक मेहनत करने पर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन, सीनियर वजीर सिंध का कहना है आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है, तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए, वीटीआईपी तकसीम की सियासत तर्क करके कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हमायत का ऐलान करे। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश, आमरियत पसंद सीखपा, वजीर इत्तला पंजाब उस्मान बुखारी का कहना है जजेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं सियासी यतीमों का गिरोह बन चुका, पीटीआई ने अपनी गंदी सियासत के लिए पहले तलबा को इश्तियाल दिलाया, अब वकला से बाहर निकलने की अपीलें कर रही है। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब धी रानी प्रोग्राम शुरू, वजीर अला की तरफ से इज्तमाई शादी में नए जोड़ों को एटीएम के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी, हर जोड़े को 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा, जरूरी फर्नीचर, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, कपड़े, दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा भी पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच समात करेगा। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तोसी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्मसानी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 85,832 पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे कमी, 277.61 रुपए से कम होकर 277.55 रुपए पर आ गया। गंदकोट कच्चे के इलाके में जागीरानी कबाइल में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 8 अफराद कतल, 7 जख्मी हो गए। जाबाहक होने वालों में मोमिन करेमन ढर जागीरानी, अब्दुल्ला दिलशाद, टिमकू जागीरानी शामिल है। वाकिया कबाइल के दरमियान देरीना दुश्मनी का नतीजा है। SSP घोटकी और DIG सखर में कशीदगी, दोनों को ले डूबी। साबिक MPA शहरियार शर पर हमले के बाद SHO शकूर लाखू को गिरफ्तार किया गया तो दोनों में इख्तलाफात हो गए थे। सिंध हुकूमत ने दोनों को ही ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी, IG सिंध ने इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। कराची में CTD शोबा तफ्तीश की बड़ी कार्रवाई। कलदम तहरीक तालिबान के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द 3 जून को पुलिस पर होने वाले हमले में मुलविस हैं। कराची लांडी जेल से कैदी फरार। जेल इंतजामिया ने ड्यूटी पर मौजूद 8 अहलकारों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 डाकू गिरफ्तार, खातून समेत 5 अफराद जख्मी। पापोश पुलिस ने कम सिंध बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहब में तालिबात को यूनिवर्सिटी ले जाने वाली कोस्टर उलट गई। वारबर्टन रोड पर हादसे में 10 तालिबात जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। पाक फौज का गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए नायाब तोहफा। मेहंदियाबाद के इलाके में पाक फौज और SCO की जानिब से फ्री लांसिंग हब का अमल में लाया गया है। फ्री लांसिंग हब गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मेहंदियाबाद में कायम किया गया। तलबा ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीख सकेंगे। कजाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। बेसमेंट की तकमील के बाद फ्लोर्स की तमीर और स्टील फिक्सिंग स्ट्रक्चर का काम तेज। स्टेडियम के एम्प्लॉयर्स पर दिन रात तामीराती काम जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का अलसुब कजाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया।